हेलो डियर्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कार्ड्स थ्री स्किल अप्रोच कार्ड्स ने मेन थ्री लीडरशिप स्किल्स बताई हैं टेक्निकल स्किल ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल रोपर्ट कार्ड्स के अनुसार एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए मेन थ्री लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड हैं फील्ड से ह्यूमन स्किल्स आर रिलेटेड टू कॉम्यनिकेशन विद पीपल एंड कंसेप्चुअल रोबर्ट कार्ड ने नाइनटीन फिफ्टी फाइव में ये थ्यूरी दी थी अपने स्किल्स ऑफ एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर रोबर्ट कार्ड जहां पर वो काम करते थे उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया एक्जिकुटिव को, एक्जिकुटिव को और एक स्टडी की और फिर अपना एक कंसेप्ट दिया कि अगर बिजनेस की ग्रोथ चाहते हो डेवलपमेंट चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव में ये मेन थ्री लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए तभी एक बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है डेवलपमेंट कर सकता है ग्रोथ कर सकता है चलिए वन बाई वन इन स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल स्किल्स क्या है किसी काम को या किसी एक्टिविटी को करने के बारे में उसके बारे में नॉलेज जब हमें उस काम को करने में कितनी प्रोफिशेंसी हासिल है हम कितने स्पेशलाइज्ड हैं ये जो ये टेक्निकल स्किल्स हैं मेन किससे रिलेटेड है वर्कर से रिलेटेड है वो मशीनों को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं ऑपरेट कर पा रही हैं टूल्स को कितना अच्छे से यूज़ कर पा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो वर्कर हैं वो काम करते हैं मशीनों को ऑपरेट करते हैं और कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं जिसके बेस पर कंपनी क्या करती है सेल करती है प्रॉफिट कमाती है तो किसी को काम को करने के बारे की कि जो किसी काम को करने की नॉलेज ही क्या है टेक्निकल स्किल है फॉर एग्जाम्पल किसी भी अकाउंटिंग फर्म में टेक्निकल uh, स्किल्स कौन कौन सी हो सकती हैं जैसे कि नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अबाउट कॉमर्शियल लॉज एंड अबाउट टैक्स लॉज नेक्स्ट स्किल्स हैं ह्यूमन स्किल्स ह्यूमन स्किल्स किससे रिलेटेड है एबिलिटी टू वर्क विथ पीपल हम लोगों के साथ काम कैसे कर पा रहे हैं लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है जो लीडर है वो कितना इफेक्टिवली बात कर पा रहा है अपनी बॉडी नीड्स के साथ अपने पीयर्स के साथ सुपीरियर के साथ उन लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहा है अपनी बात मनवाने में तो अगर वो क्रिएट कर पा रहा है ऐसा एटमोसफेयर अपने वर्क प्लेस पर जहां पर इंप्लॉइज उसके फॉलोअर्स उसके सुबॉर्डिनेट उस पर विश्वास कर, कर लेते हैं उस पर और उसके अकॉर्डिंग वो काम करने को तैयार हैं तो उसमें ह्यूमन स्किल्स अवेलेबल हैं नेक्स्ट है हमारी कंसेप्चुअल स्किल्स कंसेप्चुअल स्किल्स किससे रिलेटेड है टू आइडिया जनरेशन एक लीडर में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि उसके माइंड में आइडियाज आएँ और वो आइडियाज़ को एक शेप दे अच्छे अच्छे आइडियाज आएँ किसी काम को करने के बारे में वो सोचे कंसेप्चुअल स्किल्स कौन कौन सी हो, हो सकती हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग विंग टू विंग इंटर कनेक्शंस थिंकिंग एज ए होल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई प्रॉब्लम है कंपनी की आगे तो उसे वो सॉल्व करना है तो अलग नए नए आइडिया सोचे और बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्ट करें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो दैट आर कंसेप्चुअल स्किल्स अब देखिए थ्री लेवल्स हैं मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट मिडल एंड लोअर लेवल तो ह्यूमन स्किल्स तीनों लेवल पर इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो लोअर लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि लोअर लेवल पर वर्कर्स होते हैं हमारे वो काम करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टॉप लेवल पर ही कम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और कंसेप्चुअल स्किल्स टॉप मैनेजमेंट पर ज़्यादा ज़रूरी है और लोअर लेवल पर कम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंसेप्ट डिवेल्प करते हैं आइडियाज़ जनरेट करते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो टॉप लेवल पर कंसेप्चुअल स्किल और लोअर लेवल पर टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ह्यूमन स्किल्स तीनों लेवल पर ही लेवल पर इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं चलिए तो देखते हैं इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं द थ्री इशेंशियल मैनेजर स्किल्स जो कार्ड्स ने दी थी तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं टेक्निकल ह्यूमन एंड एम्पेरिकल ह्यूमन इम्पेरिकल एंड कंसेप्चुअल सी ऑप्शन है टेक्निकल इंटरपर्सनल एंड कंसेप्चुअल एंड डी ऑप्शन है टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी टेक्निकल स्किल्स ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल्स सॉरी यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स आना था तो हमारा ए ऑप्शन है ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज मैनेजर मूव टू हायर लेवल जब हम लोअर लेवल से टॉप uh, लेवल की तरफ मूव करते हैं तो इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सेकेंड है टेक्निक कल स्किल्स नीड्स रिमेन नेसेसरी एंड ह्यूमन स्किल्स डिक्रीज एज मैनेजर मूव टू हायर लेवल टेक्निकल स्किल कहते हैं रिमेन नेसेसरी और ह्यूमन स्किल्स कहते हैं कम होती जाती है जब हम हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं और हमारा सी ऑप्शन है ह्यूमन स्किल्स रिमेन इन नेसेसरी बट टेक्निकल स्किल्स हैं वो डिक्रीज होती हैं एज मैनेजर मूव टू हायर लेवल एंड हमारा डी है कि दोनों स्किल्स ही डिक्रीज होती हैं जब हम हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ह्यूमन स्किल्स रिमेन नेसेसरी क्योंकि ह्यूमन स्किल्स तो तीनों लेवल पर ही नेसेसरी होती हैं टेक्निकल स्किल क्या डिक्रीज हो जाती है जब ह, हम हम लोअर लेवल टू हायर लेवल मूव करते हैं क्योंकि टेक्निकल स्किल्स क्या है लोअर लेवल पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हम हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं तो ये डिक्रीज होते हैं कम होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट कार्ड्स के अनुसार मेनेजर्स मैनेजर्स द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज उनकी उनमें कौन सी क्वालिटीज होती हैं कौन सी स्किल्स होती हैं टेक्निकल लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसेप्चुअल तो हमारा आंसर हो जाएगा कंसेप्चुअल स्किल्स नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स टेक्निकल स्किल्स इन एबिलिटी टू तो फर्स्ट है एनालाइज एंड डायग्नोज़ कंप्लेक्स सिचुएशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल कंप्लेक्स सिचुएशन अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टाइज इनिशिएट एंड ओवरसीज कंप्लेक्स प्रोजेक्ट तो हमारा आंसर हो जाएगा सी अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टीज नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर ह्यूमन स्किल इन कार्ड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन डिसोल्विंग कंफ्लिक्ट वर्किंग एज ए पार्ट ऑफ टीम तो हमारा आंसर हो जाएगा सी क्योंकि डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड है कंसेप्चुअल स्किल से कम्युनिकेशन रिसोल्विंग कंफ्लिक्ट वर्किंग एज ए पार्ट ऑफ टीम ये सब क्या है ह्यूमन स्किल है डिसीजन मेकिंग कंसेप्चुअल स्किल है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू